2000 साल पहले रोम सेनापति जूलियस सीजर आया। उसने देखा और जीत लिया गालों के देश को एक लंबी लड़ाई के बाद। उसके विरोध में खड़ा था वर्सिंगेटोरिक्स, लेकिन इस वीर सेनापति को भी आखिर हथियार डाल देने पड़े सीजर के पैरों पर। इतिहास गवाह है कि सीजर ने अधिकांश गॉल पर कब्जा जमा लिया था, मगर सारे गॉल प्रदेश पर नहीं। एक छोटा सा प्रदेश अभी भी आजाद था, रोमन सेना से घिरा हुआ एक किलाबंद गांव। और इसी गांव में हमारी मुलाकात होगी हमारी कहानी के हीरो से, महान योद्धा एस्टिक्स। जी हाँ, ये रहा वो जंगली सुअर के शिकार पर जा रहा है अकेला बिंदास। तुम जल्दी लौटाओगे ना एस्टिक्स? हाँ, डिनर के वक्त तक लौटाऊंगा। हवा में रोमन सैनिकों की बदबू आ रही है। ये क्या था? ये तेरी टोपी तेरे सर पे। गौलों पर कब्जा रोमनों की जान का बवाल बना हुआ था। उधर हम स्वित में सेनापति फोनस बेलोनस बैठा सोच रहा था। हेल फोनस बेलोनस, हाँ? गश्ती दल लौट आया है। हेल पेट्रोलियम मम्मस, आओ उनसे रिपोर्ट ले। हेल फोनस बेलोनस, हेल। हे जुपिटर, क्या हुआ तुम लोगों को? कहां से पिटकर आए हो? क्या वो लोग तुमसे ज्यादा थे? क्या वो हमसे ज्यादा थे? हमसे ज्यादा ऐसा तो नहीं था। वो तो एक था। सिर्फ एक, और वो भी था छोटा सा आदमी। कसम जुपिटर की, इन गोलों के बाद जरूर कोई जादुई ताकत है। क्या एक्सट्रिक्स, कोई खास बात? नहीं तो। हाँ, चार रोमनों की पिटाई की मैंने। सिर्फ चार? क्या ओबेलिक्स, बना हुआ सुअर खाना पसंद करोगे? क्यों नहीं, ये दो तीन बचे हैं, डालकर आता हूं। आहा, भुना हुआ सुअर। लगता है रोमन किसी फिराक में हैं। वो लोग दोबारा हम पर हमला करेंगे, देख लेना। जब तक पैरारोमिक्स और उसका जादुई काड़ा मौजूद है, परवाह नहीं। इस बात से याद आया, आज तो राशन का दिन है। चलो चलकर ओजा को ढूंढे। चलो ओबेलिक्स। मगर एस्टिक्स, खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। ये आवाज सुनी? वही है, अपनी सोने की दराती से फाल से काट रहा है। पैनारोमिक्स, ओजा। क्या हो गया पैनारोमिक्स? देखो, तुमने मुझे डरा दिया। अपने ही दराती से मैंने उंगली काट ली ना। सॉरी पैनारोमिक्स, मैं अपना जादुई काले का राशन लेने आया हूँ। धीरे बोलो, ये राज है, आओ मेरे साथ। पतीले में कड़छी चलाता हूँ, काढ़े को मिलाता हूँ, जो देता है जादुई ताकत, जादुई काढ़ा जो तुम्हारी ताकत हजार गुना बढ़ा देता है। अच्छा, इस काढ़े में तुम मिलाते क्या क्या हो ओझा? जादुई काढ़ा सबसे पहले किसने और कब बनाया था कोई नहीं जानता। इसका राज एक ओझा दूसरे ओझे को ही बता सकता है। तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें फालसे और केकड़ा डलता है। वैसे केकड़ा डालना जरूरी नहीं, पर इससे स्वाद बढ़ जाता है। क्या मुझे भी मिलेगा? नहीं 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 ओबेलिक्स, नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। बचपन में तुम काढ़े के कड़ाहे में गिर गए थे, इसलिए काढ़े का तुम पर हमेशा के लिए असर हो गया है, ये तुम जानते हो। ओहो, हमें इस काढ़े की ताकत का नमूना दिखाओगे एस्ट्रिक्स, प्लीज? जरूर, ये मैं चला। Thank you.
क्या बात है, बाकी कमाल है, कमाल। हाय बेचारे गरीब रोमन, वाकई दया आती है उन पर। अब आइए चलकर देखते हैं कि रोमन क्या कर रहे हैं। सख्त घेराबंदी के बावजूद ये गॉल हमारी एक नहीं सुनते। हमारे चार चार सैनिकों को उनका एक ही आदमी पीट देता है। वो लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमें उनकी ताकत का राज जानना होगा। एकदम ठीक कहा तुमने मार्कस ओरबस। इसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए हमें। कौन जाएगा उनकी जासूसी करने? अब जबकि इतने लोग तैयार हैं, तो इनमें से एक को चुनने के लिए अब हम म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। ये खेल हमारे बाप दादों के भी बाप दादों के भी बाप दादों के जमाने का है। इसमें सैनिकों की संख्या से एक कुर्सी कम होती है और संगीत रुकने पर नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सीजर से तुम्हें इनाम मिलेगा। नहीं कोई चक्कर नहीं। नहीं जाओगे तो भूखे शेरों को खिला दूंगा। इतनी जिद करते हो तो जाता हूँ। मीनस को एक गॉल बनाओ। इस दौरान उधर गाल गांव में हमारा सरदार महान दोस्तों, बहुत दिनों से रोमन सैनिक बड़े शांत दिखाई पड़ रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, हमें चौकन्ना रहना होगा। और हाँ, जादुई काढ़ा पीना मत भूलना। हमारा सरदार महान है। सरदार एक मिनट, क्या है ओबेलिक्स? पैनोरामिक्स मुझे काढ़ा नहीं देता है। ये ठीक नहीं है, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। साहिबान, अरे बापरे मर गए, आगे स्टॉप द म्यूजिक। गौलों के साहस के नाम पेश एक ताजा तरीन गाना। गंवार कहीं के कला की समझ ही नहीं है। कैलिगुला मीनस तैयार है ओ बेलोनस? अच्छा है, चलो देखें। बांधो इसको। तुम अब गॉल गांव के आसपास टहलने जा रहे हो। जैसे गॉल तुम्हें देखेंगे आकर तुम्हें बचाएंगे और इस तरह तुम गांव में दाखिल हो जाओगे और फिर तुम उनका राज ढूंढ निकालोगे। क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? वैसे आपस की बात है, मैं समझ नहीं पाया। दुश्मनों के पास ले जाओ। आराम से, धीरे धीरे। मैं नकली कैदी हूँ, रोमन हूँ असल में। याद रखो मैं एक रोमन हूँ, एक सच्चा रोमन। अरे आराम से, मैं सच में कैदी नहीं हूँ, मैं एक रोमन हूँ, रोमन। आज मारधाड़ करने की इच्छा हो रही है। हाँ लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है एस्ट्रिक्स। रोमन आजकल बाहर ही नहीं आते, हमसे थमसे पिट पिट कर थक चुके हैं वो भी। ए चुप। ओ संजीरों की आवाज, कोई रो रहा है, पेड़ पर चढ़ो। और कब तक यूं ही पिदाते रहोगे मार्कस ओरबस? चुप रहो। जब तक मैं ना कहूं। गॉल आएंगे तो सिर्फ तुम ही सलामत बचोगे, समझे तुम? रोमन आ रहे हैं, एक मरियल गॉल को पकड़ रखा है, आओ उसको बचाएं।
आनंद आ गया। चलो इनको होश में लाएं और फिर से पिटाई करें। नहीं चलो, देर हो रही है। आओ छोटे मियां, चलो चलें। अभी 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 याद पूरा हुआ। जरा इसकी जंजीरें निकाल दो। मगर ये कैसे करोगे बिना औजारों के? औजार किसे चाहिए औजार? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ कलीग, कलीग लामिनिक्स, लिटिसी का निवासी हूँ। मगर वहाँ तो रोमन और गौलों के बीच शांति है ना? हाँ, पर उनको मैं शक्ल से चालू नजर आता हूँ, इसीलिए वो मुझको जासूस समझते हैं। ओ, तो रोमन तुमको जासूस समझते हैं, बेवकूफ कहेंगे। उधर वीर रोमन टुकड़ी मार्कस सोर्पस के नेतृत्व में वापस लौटती है हम स्वीथम। एल्फोनस, दो गॉल आए, उन्होंने देखा और वो कैलिगुला को छुड़ा ले गए। वाह, क्या महान जीत है हमारी। यही मनाता हूँ कि कैलिगुला मीनस साबुत लौट कर आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा और शेरों को खिला देंगे। मेरा काम से गांव अब नजदीक ही है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। कैलिगुला मिनिक्स सब अपने गौल भाई हैं। ओह शुक्र है। एस्ट्रिक्स और अबिलिक्स आ रहे हैं, साथ में और भी कोई है। पता नहीं कौन होगा वो। आओ तुम्हें सरदार से मिलाएं, महान वीर टोनोबिक्स। कहाँ है रोमन? कहाँ है बताओ, मुझे रोमन चाहिए। उसकी टांग तोड़ दूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। कहाँ है रोमन? लो पहुंच गए। स्वागत है तुम्हारा मेरे भाई, इसे अपना ही घर समझो। हेल, शुक्रिया। अब लीजिए पेश है एक गाना इनके स्वागत में। खाना बनने तक गांव घुमाओ। जरूर, अब पता करता हूँ कि लोहे का काम ये कौन से औजारों से करते हैं। वो पत्थर दो। तुमने पुकारा, हम चले आए। ये आदमी है टार्जन की औलाद। जरूर कोई राज है इनकी ताकत का। कैलिगुला मिनिक्स, आओ खाना तैयार है। भुना सुअर। भुना सुअर। क्या तुम लोगों की ताकत का कोई खास राज है? हाँ, पर बता नहीं सकते। खाते क्यों नहीं तुम? ठंडा हो जाएगा ये। क्यों नहीं बता सकते मुझे वो राज? क्योंकि एक राज है। इंसाफी है, अगर हम गौल अपने राज बांट नहीं सकते तो क्या फायदा है? अगर मैं तुम्हारे जैसा तगड़ा होता तो मैं रोमन घेराबंदी तोड़कर निकल जाता और अपने घर पहुंच जाता। लुटिशिया, क्या कहते हो? मैं
मैं तो कहता हूँ पहले सुअर निपटा देते हैं। मेरे बीवी बच्चे मेरे रो रहे होंगे। चलो ओझा से बात करते हैं। क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें एस्ट्रिक्स? मुझे कुछ नहीं, पर हमारा नया मित्र कैलिगुला मिनिक्स हमारी ताकत का राज जानना चाहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हरगिज हरगिज नहीं। मगर मुझे घर लौटना है, अपने काम पर लौटना है। क्या काम करते हो तुम? वो मैं गाइड हूँ, टूरिस्टों को लिटरेचर दिखाता हूँ, साथ ही बाजार की सैर और शॉपिंग भी कराता हूँ। नहीं नहीं हरगिज नहीं। ठीक है समझ गया, तुम मुझे नहीं चाहते। कुछ भी हो मुझे तो घर जाना ही है, और अगर रोमन मुझे शेरों के आगे डाल देते हैं तो चीख चीख कर यही कहूंगा, इस हत्या का पाप पैनोरामिक्स को लगेगा, इस हत्या का पाप पैनोरामिक्स को लगेगा, इस हत्या का पाप पैनोरामिक्स को लगेगा, पैनोरामिक्स को लगेगा। ओहो, अच्छा ठीक है। ए, लौट आओ कैलिगुला मिनिक्स, लौट आओ कैलिगुला मिनिक्स, ए कैलिगुला मिनिक्स। ठीक है, मैं तुम्हें हमारी ताकत का राज दिखाता हूँ, बल्कि तुम्हें थोड़ा काढ़ा पीने को भी दूंगा। क्या ये कोई पीने वाला राज है? जाओ सबको बुला लाओ एस्ट्रिक्स। इस काढ़े को पीकर तुम में ल्यूटिशिया लौटने लायक ताकत आ जाएगी, मगर इसका असर थोड़ी देर ही रहेगा। वेजिटेबल सूप जैसा है ये तो। तुम जिस स्वाद का कहो बना सकता हूँ, जैसे मटन तंदूरी, धनिया चटनी, चीज ऑमलेट, टंगरी दो प्याजा, रवा बादाम का हलवा। पर इसे पीकर कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। जरा वो चट्टान उठाने की कोशिश करो। इसे मेरा बाप भी नहीं उठा पाएगा। संभाल कर छोटू, जरा सावधानी से काम लो, समझे? तो अब क्या कार्यक्रम है? सामूहिक नृत्य। नृत्य आरंभ किया जाए। शुरू करते हैं। एक कदम दाएं और एक कदम बाएं, बाएं वाले आगे बढ़ो, दाएं वाले पीछे। अपने सामने वाले से हाथ मिलाओ दिल से। अब सामने वाले की मूंछें खींचो, मूंछें। अब सामने वाले की मूंछें खींचो। ये चिपकाने वाली मूंछें हैं। आजकल आजकल इनका फैशन है हमारे ल्यूटिशियन में।
तुम गॉल नहीं हो, तुम तो रोमन जासूस हो। पकड़ो इसको। कोई फायदा नहीं है एस्ट्रिक्स, याद रखो उसने अभी अभी काढ़ा पिया है। और तुम्हारे काढ़े की वजह से बच निकला। सुनहरी दराती की कसम, तुमने ही तो जिद की थी उसे काढ़ा पिलाने की। वाह, कोई बात नहीं, वो ज्यादा कुछ नहीं जान पाया है और काढ़े का असर जल्दी उतर जाएगा। हेल फोरस बेलोनस, मुझे पता चल गया गोलों का राज, उनके पास जादुई काढ़ा है। किधर है वो काढ़ा? इधर 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 आओ कैलिगुला मिनस, जरा देखे तो इस काढ़े में क्या चमत्कार है, इनसे लड़ो। सुना नहीं? मैंने कहा लड़ो इनसे। ये हमसे लड़ेगा क्या मजाक है, कसम जुपिटर की मार मार कर भोरता बना देंगे इसका। क्यों कैसी रही? वंडरफुल, मजा आ गया। समस्या ये है कि हमारे पास काढ़ा नहीं है, वरना उसे बनाने की विधि जान लेते। ये तो है। क्यों ना इसका पेट चीर कर काढ़ा निकाल ले। आ चीर के दिखा स्वर पास, आना हिम्मत है तो आना। विचार बुरा नहीं है, पर कैलिगुला मीनस इसके लिए तैयार नहीं है। हरगिज हरगिज तैयार नहीं है। काढ़े का असर कितनी देर रहता है? पता नहीं, मुझे क्या पता। ठीक है, वो पत्थर उठाओ। लो इसमें क्या है? क्या आदमी है, हिलो मत। जब ये तुम्हें भारी लगने लगे तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारे ऊपर काढ़े का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। कई घंटों बाद तुम पहले जैसी ताकत महसूस नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर इस काढ़े को बनाने का तरीका हाथ लग जाए तो मैं सम्राट बन सकता हूं, फोनस सीजर। फोनस बेलोनस को सपने देखने देते हैं, आइए हम गांव वापस चलते हैं। मैं जरा जंगल तक जा रहा हूं फाल से चुनने। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं एस्ट्रिक्स, यहीं ठहरो तुम और गांव की रक्षा करो। तुम्हारी ताकत मेरे काढ़े के देन जरूर है, मगर तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारा जन्मजात गुण है। वैसे भी मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है, जैसा चाहो। रोमन, हम ओझा को ले आए। ओ फोनस बेलोनस, शाबाश डलियस ऑक्टोपस, इनाम में तुम ड्यूटी से गुठली मारकर रोम जा सकते हो सर्कस देखने के लिए। रोम? मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ, मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ। ओझा बता काढ़े का रास। मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा। इसका मुंह खुलवाना पड़ेगा, जल्लाद को बुला के लाओ। देखते हैं कब तक नहीं बोलता। मुंह खोलो। जिद ना करो, झा मान जा। घंटों हो गए तुम्हें यातना देते पर कोई फायदा नहीं। फायदा हुआ ना, समय कट गया मेरा आराम से। ओझा अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नहीं, तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत बहुत सारा पैसा।
नहीं। इस ओझा की जादुई शक्तियों के सामने मेरी कोई औकात नहीं। टस से मस नहीं होता अड़ियल टट्टू कहीं का। क्या बात क्या है एस्ट्रिक्स, तुम परेशान लग रहे हो। ओझा फाल से तोड़ने जंगल में गया था, अभी तक नहीं लौटा, देख कर आता हूँ मैं। संभल कर एस्ट्रिक्स, तुम्हें काढ़ा पिए बहुत वक्त हो चुका है। बाह, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। पैनारोमिक्स। ओझा तुम कहाँ हो? पैनारोमिक्स कहाँ हो? पैनारोमिक्स, पैनारोमिक्स। हाँ, मैं बैलों का हूँ व्यापारी, मेरे सिर पर है दुख भारी। बड़े मन से जाता हूँ बाजार, करने अपने बैलों का व्यापार। कैसे बेचूं ये अंतिम जोड़ी, अब कैसे खींचेगी मेरी बैलगाड़ी। रात को नींद है न दिन में करार, बैल बिक गए तो कैसे होगा कारोबार। मगर मुझको चलते जाना है, ये धान मुझको बाजार पहुंचाना है। क्या करूं, धान मेरा सड़ जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। बैलों का व्यापारी, मेरे सिर पर है दुख भारी। बरमन से जाता हूँ बाजार, करने अपने बैलों का व्यापार। इसमें चिंता करने की क्या बात है, मत बेचो अपने बैल। तो क्या करूं? अपनी गाड़ी बेच दो। क्या? खाली गाड़ी बेच दो और अपने बैल लेके घर चले जाओ। क्या कमाल की तरकीब बताई है तुमने। मैं बैल नहीं बेचूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, अपना धान लेके लौट चलूंगा। रुको 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 सरा। हाँ, ये बताओ, तुमने किसी ओझा को फाल से तोड़ते देखा है क्या? नहीं, पर एक ओझा को जाल में बांध कर ले जाते हुए देखा था। एक रोमन सैनिकों की टुकड़ी उसे हमस्वीथम ले जा रही थी। क्या? तुम मुझे हमस्वीथम छोड़ दो। पर वो मेरे रास्ते में नहीं पड़ता। हमस्वीथम यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ तो पुरानी गाड़ियों का ढेर लगा है। तुमसे मिलकर तो मेरी लाइफ बन गई। हमस्वीथम आ गए हम। अरे तुम छिप क्यों रहे हो? अपने रोमन यारों के साथ जोक कर रहा हूँ। क्या बात है, मजा आ जाएगा। ये लल्लू तो बेवकूफी में गधे का भी बाप है बाप। रुको, क्या लेकर जा रहे हो अपनी गाड़ी में? कुछ नहीं। खामोश बदतमीज, तुम मुझ पर हंस रहे हो? यहाँ क्या गड़बड़ है क्रैकस पिकलपस? ये जमुरा मुझ पर हंस रहा है, ऑगस्टस पिकलपस। जाने दो इसको, मैं इसे जानता हूँ, ये खतरनाक नहीं है। इस उल्टी खोपड़ी ने तो मरवा ही दिया था। लो, पहुंच गए कैंप में। तुम अपना जो कभी करोगे क्या? नहीं, रात हो गई है, सुबह तक रुकते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ओह हाँ।
अब चलकर ओझा को खोजना चाहिए। पहले यहां देखता हूं। मार्कस ओरपस, मेरे वफादार साथी, मुझे कुछ बात करनी है। शुक्रिया ओ कृपालु फोनस। हमें किसी भी तरह ओझा से जादुई काड़े का राज उगलवाना पड़ेगा, समझे? और उसके बाद हम हो जाएंगे अजय। तब हम रोम जाएंगे और वहां जाकर जगह ले लेंगे सीजर की। जूलियस सीजर? हाँ मेरे दोस्त जूलियस, तुम और मैं मिलकर रोम पर शासन करेंगे। हम दोनों मिलकर शासन करेंगे। अभी मुझे इसकी जरूरत है, एक बार काम हो जाए फिर इसकी छुट्टी समझो। इसको तो मैं भूखे शेरों के आगे डाल दूंगा और खुद बन जाऊंगा सीजर, मैं और सिर्फ मैं। तमाशा देखने में मजा तो आ रहा था, पर मुझे अभी ओझा को खोजना है। ओह, वो जरूर उस तंबू में नजरबंद है। माफ करना पहलवान, मैं पैनारोमिक्स को छुड़ाने आया हूँ। यार अपना नजर रखना, हम दो के बस का नहीं है ये। मैं मदद लेके आता हूँ। जल्दी आना एस्ट्रिक्स। कैसे हो ओझा, यहाँ क्यों आ गए? एस्ट्रिक्स पागल हो गए हो क्या? सीधे शेर की मान में घुसे चले आए? सेनापति, सेनापति, मेरे जादू के रहते ये गधे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानता हूँ। क्यों नहीं तो थोड़ा मजा लिया जाए, एक तरकीब है मेरे पास। सेनापति, 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 सेनापति। बोनस बेलोनस, क्या हुआ? हम एक जासूस पकड़ा है, एक जासूस, एक गोल वहाँ तंबू में, मगर हमको और सिपाही चाहिए वरना वो कैदी बचकर भाग जाएगा। प्रभु जुपिटर की कसम, खतरे का बिगुल बजाओ। तुम पर टूट पड़ेंगे। पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी पतलून गीली हो गई। डालता हूं वैसे ही जैसे वेरसिन जेटोरिक्स ने अपने हथियार डाले थे सीजर के पैरों पर। जल्दी करो, पकड़ लो मुझको, फालतू वक्त नहीं मेरे पास। पकड़ लो इसको बहादुरो, वरना सबको भूखे शेरों को खिला दूंगा। तू हम सबको भूखे शेरों को खिला देगा? वो आगे खिला देगा यार।
एक गॉल ने छावनी पे हमला कर दिया है। ये गलत बात है, मेरे उठने से पहले ही जोक मार दिया, ये ठीक नहीं किया, ये गलत बात है, बहुत गलत। तो तुम मुंह नहीं खोलेगा ओझा, मत खोल, पर कल जल्लाद के सामने शायद तुम्हारा दोस्त ज्यादा बातूनी साबित हो। उन्हें भी अंदाजा नहीं है मैं कितना बातूनी हूँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा बातूनी बने के। होनस बेलोनस ने तुमको बुलाया है। जादुई काड़े का राज जानते हो? मैं नहीं। आखिरी बार पूछता हूं तुमसे, राज बता दो वरना तुम्हारे इस साथी की खैर नहीं। मैं डरने वाला नहीं हूं रोमन। अपने दोस्त एस्ट्रिक्स की हिम्मत पर मुझे पूरा भरोसा है। अभी पता चल जाएगा। इस कॉल को टेबल पर लिटाकर बांध दो और जल्लाद को बुला के लाओ। हाजिर हूं, अपना तो उसूल है, ऑलवेज रेडी, 24 आवर सर्विस। बस करो, ओ, ओ, मुझे मत मारो, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ओ, ओ, मत करो, ओ, ओ, प्रभु प्रोटेटिस की कसम, रुक जाओ, इसे इस तरह तड़पते मैं नहीं देख सकता, मैं सब बताता हूँ। जल्लाद, रुक जाओ अभी। मगर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। ठीक है ओझा, जल्दी से काड़े का राज बताओ वरना ये जल्लाद स्टिंगू की हालत बिगाड़ देगा। मैं तुम्हारी आंखों के सामने जादुई काढ़ा बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए जिनके लिए मेरा जंगल में जाना जरूरी है। डरपोक चूहे के माफी का ये काल तो। तुमको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा, इस ओझा के साथ जाओ, दूसरा गोल मेरे पास रहेगा जमानत की तरह। मुझे चाहिए फाल से, पेड़ों की छाल, कुछ जड़ी बूटियां और दलदल के फूल। ओझा लौट आया है, एक बड़ा पतीला मांगा है, तो देते क्यों नहीं? चार चुटकी नमक की, जरा सी काली मिर्च, अब इसे उबलने दो। उबल उबल, ओ जरा जल्दी उबलाओ इसे। एक चीज की कमी है, कोई जरूरी चीज भूल रहा हूँ। क्या क्या क्या? रसभरियाँ। रसभरियाँ इस मौसम में? जानता हूँ ये वाकई बहुत मुश्किल है, चलो मौसम आने तक रुक जाते हैं। नहीं, फौरन सब तरफ तेज सैनिक दौड़ाओ, मुझे रसभरियाँ चाहिए, रसभरियाँ, रसभरियाँ लाओ। एस्ट्रिक्स, सही उल्लू बनाया तुमने। वो वहाँ रसभरियों की तलाश में भटकते रहेंगे, हम यहाँ सीजर के खर्चे पर मौज करेंगे।
हमारे सैनिकों को गए हफ्तों गुजर चुके हैं, एक भी नहीं लौटा अब तक। सैनिक वापस आ गए हैं। ओह फोनस बेलोनस, शुक्र है। हेल फोनस बेलोनस, हेल 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 हेल। ये बताओ, रसभरी मिली? नहीं, कहीं नहीं मिली। हमने सब जगह ढूंढा और टिलियस ऑक्टोपस खो गया। आ गया मैं, ओ फोनस बेलोनस। देखो देखो, मुझे मिल गई रसभरिया। एक फल वाला हाल ही में ग्रीस से ये लेकर आया था, वजन के बराबर सोना वसूला बदमाश ने। कोई बात नहीं, तुमको इनाम मिलेगा। इनाम में तुम ड्यूटी से गुटली मार कर रोम जा सकते हो सर्कस देखने के लिए। मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ, मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ। ओझा, ये देखो, मैं जादुई काढ़े के लिए रसभरियां ले आया। ये ठीक लग रही है क्या एस्ट्रिक्स? देखने में तो अच्छी नहीं लगती। घटिया है। मैं गलत था, ये तो वाकई लाजवाब है। हाँ हाँ, काढ़े के लिए बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। एक टोकरी मंगवा लो। और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। ये गलत बात है। ठीक है बाबा, रो मत, शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बना दूंगा काढ़ा, बस चुप हो जाओ। ये बना देगा? हाँ, देखो मैं बिना रसभरी के काढ़ा बना दूंगा। मीठा थोड़ा कम होगा पर चलेगा। वैसे भी रसभरी से गला खराब हो जाता है। तैयार हो गया, इसे गर्म गर्म पीना अच्छा होता है। पहले मैं। क्या सबूत है कि इस काढ़े में जहर नहीं है? बोलो बोलो। प्रभु टोटेटिस की कसम, पहले मैं पीता हूं, लाओ दो। नहीं, अगर यह काढ़ा असली हुआ तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तब तुम्हें कौन पकड़ेगा? तुम इसे एक आओ। सुना नहीं? तुम में से एक आदमी इधर आओ जल्दी। ओफोनस बेलोनस, सैनिक की जान खतरे में मत डालो, क्यों ना किसी आम आदमी पे इसे आजमाए, क्या कहते हैं? ठीक कहा। ए, इधर आओ जरा दोस्त। कौन? मैं? तुम इसे कह रहा हूँ प्यारे दोस्त, कैसे हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ। मुझे बताया गया था कि यहाँ बैलगाड़ियों की बहुत मांग है, पर यहाँ तो कोई खरीदता ही नहीं, और ये सब इसकी वजह से। जो हो गया उसे भूल जाओ अब, पर तुम चाहो तो थोड़ा सा ये पी सकते हो। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पीना। पियो इसको। तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कभी किसी व्यापारी को सूप पीते नहीं देखा क्या? हैं? इसे पीकर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन गए हो तुम। मैं? क्या मजाक है, ये वाकई जोकर है। वो अभी पता चल जाएगा, किसी को घूसा मारकर। पर बिना बात के क्यों मारूं? एक वीर सैनिक आगे आ जाए। ऐसे बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप एक आदमी आगे आ जाए। मैं तैयार हूं। तुम? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो
सुना नहीं, चलो मारो। अबे चल मार, घुसा मारते क्यों नहीं? क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत जोर से लगा, लगा जैसे आसमान टूटकर सिर पर आ गिरा हो। तो अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। बैलों का हूँ व्यापारी, मेरी चिंता हो गई खत्म सारी। बेच भी दूं बैल तो चिंता नहीं, मेरा धंधा चलता रहेगा यूं ही। धान मेरा सड़ने से बच जाएगा, परिवार मेरा भर पेट खाना पाएगा। दिल की चिंता अंतर ध्यान हो गई, अंधेरे में आशा की किरण मिल गई। अमीर बनने का सामान हो गया, मेरा जीवन आसान हो गया। खुदा मुझ पर मेहरबान हो गया, मैं गधे से पहलवान हो गया। मैं बैलों का हूँ व्यापारी, मेरी चिंता हो गई खत्म सारी। मैं बैलों का हूँ व्यापारी, मेरी चिंता खत्म। इस काढ़े में कुछ ना कुछ जादू तो जरूर है, वाकई है। सैनिको आओ, आकर जादुई काढ़ा पी लो। अब रोम हमारी मुट्ठी में, आओ मार्कस और पज। सीजर के दिन खत्म हुए। ओझा, इस काढ़े की रेसिपी मुझे लिखकर दे दो डिटेल में। एक बार रेसिपी हाथ लग गए तो इन दोनों की छुट्टी कर देंगे, हमसे पंगा ले रहे थे। सही फरमाया। चलो अपनी इस नई ताकत को आजमा लिया जाए। वो पत्थर उठाता हूं। वो भी बड़ा है। हाँ ये ठीक है। देखो मुझे, मैं बन गया सुपरमैन। वाह क्या जवान मर्द है। हाँ फोनस पेलोनस, ये छोटा सा पत्थर उठाना कोई पहलवानी नहीं है। तुम ठीक कहते हो। तो तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, ये काला जादू ही नहीं है। है क्यों नहीं? ओनस पेलोनस, इन गोलों को ठिकाने लगा देना चाहिए। बिना हजामत बनाए मेरे सामने कैसे आ गए तुम? एक अच्छे सिपाही को रोज हजामत बनानी चाहिए। ठीक कहते हैं, पर इसकी मिसाल तो सेनापति को रखनी चाहिए। मगर ये क्या क्या हो रहा है? जरा उनको देखिए। ये क्या हो रहा ओझा? ये बाल बढ़ाने का एक बहुत पुराना नुस्खा है, बड़ा ही असरदार नुस्खा। इससे तुम्हारे चेहरे के बाल और दाढ़ी बढ़ती जाएंगी तेज रफ्तार से। जान से मार दूंगा तुमको, वरना मुझे इस काढ़े का तोड़ दे दो। नो 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 नो। हमको मार दोगे तो इसका तोड़ कौन बना कर देगा? वैसे भी आज हम थोड़ा थक गए हैं। हाँ हाँ टेंट में चलकर आराम करते हैं, चलो। हे रुको रुको रुको। क्या हुआ ओफोनस पेलोनस? मेरी दाढ़ी मेरे पैर में फंस गई बेवकूफ गधे। Thank you.
अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, वे लोग जीत गए, उनसे समझौता करना ही होगा। क्या? एक नया खेल इजाद किया है, एक दाढ़ी वाला देखने पर 15 पॉइंट मिलेंगे, कुल 10,000 बनाने हैं। तुम्हारी चाल कामयाब रही गोल, कहो क्या चाहते हो? वादा करो सुनकर बाल नहीं नोचोगे? खबरदार जो दोबारा बालों का जिक्र किया तो। बस बहुत हो गया। नहीं नहीं रुको प्लीज। ठीक है, पर दोबारा मेरे बालों से मत नचना। डर से मेरे तो बाल खड़े हो गए, पर कोई बात नहीं। बस कर रहे यार, बहुत हो गया। ठीक है, मैं हार गया, मुझको दाढ़ी का तोड़ दे दो, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तो क्या है कि अभी मेरा काम करने का मन नहीं है? इसने हथेली पे बाल उगा रखे हैं। इसका बस चले तो ये बाल भी ना ही लाए। ठीक है नाराज मत हो, मैं बनाता हूँ, लेकिन इसके लिए जरूरी चीजें लाने मुझे दोबारा जंगल में जाना होगा। जरूर, मगर पहरे में। इतनी जल्दी क्यों मान गए? वो कुछ नहीं कर सकता था हमारा। दरअसल इस काढ़े का असर बहुत देर तक नहीं रहने वाला है, कल तक ये सारी दाढ़ियां गायब हो जाएंगी, उससे पहले ही हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। इन लंबे बालों और दाढ़ी से छुटकारा मिलते ही इन गोलों को मरवा दूंगा। मोहब्बत और जंग में सब कुछ चलता है। हम तुमको जंगल में ले जाने आए हैं, चलो चलकर जड़ी बूटियां ले आओ। मेरा एक प्लान है। एक बात है, हम गोलों के पास प्लान ही प्लान होते हैं। तू अपने पैर मेरी दाढ़ी से दूर रख। अपनी दाढ़ी मेरे पैरों से दूर रख। जल्दी करो यार, दाढ़ी बढ़ी जा रही है। मुझे लगता है कि सारी जरूरी चीजें हो गई हैं। लो हम आ गए। बहुत अच्छे, काम शुरू करो। ओह, सुबह से लगा हूं काम पर, शुक्र है अब जाकर थोड़ा आराम कर पाऊंगा। तुम यहीं रुको। पर मैं ओझा को तोड़ बनाते देखना चाहता हूँ। ना ना ना, मत देखो, ध्यान बटेगा, तुम डरपोक हो। तुम लोग यही पहरा दो, ये लोग भागने नहीं चाहिए। लो हो गया। अब सुनो एस्ट्रिक्स मेरे दोस्त, इस छोटे वाले बर्तन में मैंने अपना असली जादुई काढ़ा बनाया है। यहां से निकलने के लिए शायद हमको तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़े, और इस बड़े बर्तन में तोड़ बनाया है मैंने, पानी और नमक, कुछ सब्जियां और बकरे की टांग, क्योंकि हमें भी उनके सामने इसे पीना पड़ेगा, तो सोचा कि कुछ स्वादिष्ट ही बनना चाहिए। जादुई काढ़ा तैयार है, जरा ज्यादा पी लो तो ठीक रहेगा। अब बुलाओ हमारे दरियल मेजबानों को। चलो साहब, काढ़ा तैयार है, बर्तन को यही ले आओ। ठीक है ठीक है। इसे चखो पहले। स्वाद ठीक है, पर नमक थोड़ा कम लगा मुझे तो।
अब तुम्हारी बारी फोनस मिलोनस। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि इसे पीने से बाल बढ़ने रुक जाएंगे? तुम बहुत तेज हो। अच्छा मेरी मूछें देखो, ये बढ़नी बंद हो गई हैं। प्रभु जुपिटर, ये सच है, आओ पी लो। ये तो सुअर जैसे टूट पड़े। और अब सिपाहियों, पकड़ लो इन दोनों को। बड़ी खुशी के साथ। क्या इस दाढ़ी से बांधोगे हमको? जाने तो मुझे, छोड़ दो। सिपाहियों बचाओ मुझे। चलो इन लोगों के समझने से पहले यहाँ से निकल चलते हैं। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। रुक जाओ, वापस जाओ तुम। रोमन, इतनी रोमन, उधर भी है। लगता है हम लोग घिर चुके हैं। फौजी मदद आ गई, एकदम सही वक्त पर पहुंचे हैं ये। गड़बड़ हो गई। अब कहां जाओगे बचकर? मैं तुमको भूखे शेरों को खिला दूंगा। ओ फोनस वेलोनस, आपका इंतजार हो रहा है, फौरन चलिए। फौरन? हाँ फौरन। ये किसका चोगा पड़ा है मेरे टेंट में? ये चोगा सीजर का है, यानी कि मेरा चोगा है। जूलियस सीजर? हाँ मैं। मैं ये जानने के लिए आया हूं कि इन गोलों के बारे में तुम क्या कर रहे हो। पहले ये बताओ कि छावनी के द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए तुम में से कोई भी हाजिर क्यों नहीं हुआ? हाँ वो असल में क्या है कि यहाँ लड़ाई चल रही है, मतलब यहाँ कुछ गौलों से लड़ाई चल रही है। गौलों से लड़ाई? कितने गौलों से? दो। ओ क्लियोपेट्रा, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ जिनमें मेरी पूरी सेना से टक्कर लेने की हिम्मत है। अच्छा तो ये है वो बहादुर गौल। यहाँ क्या चल रहा है बताओ। सीजर, फोनस बलोनस हमारा जादुई काड़ा छीनना चाहता है, क्योंकि उसका मकसद है तुम्हें हटाकर खुद रोम का नया सम्राट बनने का। ओ अच्छा। नहीं अब नहीं, वो दरअसल में क्या था कि रहने दो, अब हजामत बना लो। तुम और तुम्हारी टुकड़ी को फौरन मंगोलिया के लिए निकलना है। वहाँ कुछ खूंखार जंगली जातियों ने विद्रोह कर दिया। पर एक बार मेरी बात तो सुन लेते। और अब तुम दोनों, तुम्हारी सेवा के एवज में तुमको हम तुम्हारी आजादी सौंपते हैं, पर इसका मजा बहुत देर तक नहीं ले पाओगे, समझे बच्चों? जल्दी मुलाकात होगी। मुझे इंतजार रहेगा सीजर। संतोट है जिसकी वो आ गए। चलो जश्न मनाए, आज हमारे भाइयों ने रोमनों पर एक और जीत दर्ज की है। हुर्रे हमारा मुखिया डोना ब्रिक्स, हुर्रे हमारा मुखिया डोना ब्रिक्स, हुर्रे। तो जश्न शुरू किया जाए। क्या
आकाश तले वीर गानों के इस नन्हे से गांव ने एक नई जीत का जश्न मनाया। जीत जो उन्हें हासिल हुई देवताओं की कृपा से, अपनी बुद्धि से, जादू से और साहस से। वे जानते थे कि अभी उन्हें ऐसी कई और जीतें दर्ज करनी है रोहन सेना पर।